आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे इसके बारे में, मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो एम्बुलेंस है, तो जो एम्बुलेंस के वैंस होते हैं उस पर जो एम्बुलेंस लिखा रहता है वो उल्टा क्यों लिखा रहता है। द वर्ड एम्बुलेंस ऑन द हॉस्पिटल वैंस इज़ रिटन इन द फॉर्म इट्स मिरर इमेज एज, ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये उल्टा लिखा हुआ है। तो ये होता किस लिए है, तो ये जानते हैं हम। दिस इज़ बिकॉज वैन वी आर ड्राइविंग इन आवर कार एंड सी द हॉस्पिटल वैन कमिंग फ्रॉम बिहाइंड इन आवर रियर व्यू मिरर, देन वी विल गेट द लेटरली इन्वर्टेड इमेज। लेटरली इन्वर्टेड इमेज के बारे में अभी मैंने प्रीवियस टॉपिक में बताया था, जो राइट होता है वो लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट होता है राइट दिखाई देता है। अब यहाँ पे वर्ड्स की बात आती है, वर्ड्स में क्या होता है, यहाँ पे एम्बुलेंस अगर हम रियर व्यू के मिरर या नॉर्मल मिरर से भी देखेंगे, प्लेन मिरर से, तो ये हमें दिखाई क्या देगा, सीधा दिखाई देगा अगर उल्टा लिखा हो तो। अगर यहाँ पे एम्बुलेंस सीधा लिखा रहता तो हमें रियर व्यू के जो मिरर से क्या दिखता, उल्टा दिखता। अब ये एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखते हैं, आपको सब पता है कि एम्बुलेंस में वो पेशेंट जो होते हैं वो काफ़ी सीरियसली इशू होते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम उनको क्या दे सकें, साइड दे सकें, इसलिए वो उल्टा लिखा रहता है कि हम उन्हें देखें, पीछे से गाड़ी आ रही है एम्बुलेंस की तो हम उन्हें साइड दे सकें। अब यहाँ पे नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। तो कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो प्लेन मिरर बनाती हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, खासियत होती हैं, ये मैंने पहले कवर कर रखा है, फिर भी यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं, 6 पॉइंट है जल्दी से। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज बिहाइंड द मिरर, मैंने पहले बता रखा है। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज वर्चुअल, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक्चुअली में लाइट क्या होती है, आपस में मीट नहीं करती हैं। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, द इमेज इन अ प्लेन मिरर क्या होता है, सेम साइज का होता है, क्लोन होता है, ना ही वो छोटा होता है, इट इज़ नाइदर इनलार्ज नॉर डिमिनिश, ना ही वो छोटा होता है ना ही वो बड़ा होता है। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट, इट इज़ द सेम साइड अप एज द ऑब्जेक्ट, मैंने जैसे ये बताया था कि अगर हम अपना बॉडी देख रहे हैं तो जिस साइड हमारा हेड अपसाइड होगा तो मिरर में भी अपसाइड होगा, डाउन साइड नहीं होगा। द इमेज फॉर्म इन अ प्लेन मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट, अगर इस जो इमेज और मिरर और इमेज की जो हम बॉडी की जो बात है ऑब्जेक्ट की, जितना डिस्टेंस होगा 10 सेंटीमीटर मान लो, और तो जो हमारी इमेज बनेगी बिहाइंड द मिरर वो भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो हमें यही बताया कि जितनी डिस्टेंस हम फ्रंट पे देखते हैं उतनी डिस्टेंस हमारी बिहाइंड द मिरर बनती है, जो रियल इमेज बनती है वो बिहाइंड द मिरर ही होती है। द इमेज इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड साइडवेज रिवर्स, मतलब अगर हम लेफ्ट हैंड ऊपर करते तो राइट हैंड शो करता है, और राइट हैंड करते हैं तो लेफ्ट हैंड शो करता है, और वही कंडीशन यहाँ पे हमें एम्बुलेंस में भी शो कर रही है।